हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडू ट्रस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जीरोधा अकेडमी नॉमिनी कैसे बनाते हैं। दोस्तों, नॉमिनी बनाने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि सेबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें सेबी ने कहा है कि 31 मार्च से पहले किसी भी डीमैट अकाउंट में अगर नॉमिनी नहीं होगा तो उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। तो इस फ्रीज होने से बचाने के लिए आपको नॉमिनी बनाना पड़ेगा 31 मार्च से पहले तक। तो चलिए हम आपको जीरोधा अकेडमी दिखाते हैं कि कैसे नॉमिनी ऐड करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मेरा होम पेज खुल गया है जीरोधा अकेडमी का। अब इसमें हमको जाना है प्रोफाइल सेक्शन में। प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा होगा। प्रोफाइल सेक्शन जाने के बाद हम देखेंगे कि प्रोफाइल में टच करने के बाद आपका आएगा मैनेज ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है। दिख रहा होगा आपको मैनेज अकाउंट का आ रहा ऑप्शन, मैनेज अकाउंट में आपको जाना है। मैनेज अकाउंट में जाने के बाद आपका पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा जीरोधा के साइट पे, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लू लाइन दिख रहा होगा, जिस ब्लू लाइन पे आपको क्लिक करना है। ब्लू लाइन क्लिक करते ही आपको ये पेज खुलेगा जहाँ पे आपको नॉमिनी का ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए, आपको नॉमिनी का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये पेज खुलेगा। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा जहाँ पर ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आएगा। ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आने के बाद आपको वहाँ पर जहाँ पर ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर टच करने के बाद आपको जितने भी डिटेल्स हैं नॉमिनी के नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और जो भी उसके आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, और अगर उसमें पासवर्ड लगा तो आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको साइन कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एक साइन का फॉर्म का ऑप्शन आएगा जिसको आगे हम दिखाएंगे। साइन के फॉर्म को आपको क्लिक करने के बाद, साइन नाउ करने के बाद आपको वो रीडायरेक्ट जगह पोर्टल पे जो NSDL के साइट है वहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। जिसका अकाउंट है उसका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको बॉक्स में चेकिंग करना है, जो बॉक्स टिक करने के लिए होता है वो चेक करने के बाद आपके आधार पे जो नंबर जुड़ा होगा उस पर एक OTP जाएगा। OTP आपको डालने के बाद उसमें आपको जब OTP आप सही सबमिट कर दीजिएगा तो फिर आपको आएगा सक्सेसफुल का आएगा ऑप्शन। तो इससे आपका वो होगा, प्रोसेसिंग हो गया, सबमिट हो गया। जीरोधा अकेडमी में जो भी नॉमिनेशन का फॉर्म था इतना यहाँ तक सबमिट हो जाता है, 2 से 4 दिन में आपका वो अपडेट हो जाएगा कि प्रोसेसिंग है या कंप्लीट हो गया। जैसे मेरा देखिए, आप देख सकते हैं मेरा, मैंने जब किया था नॉमिनी ऐड तो मेरा प्रोसेसिंग दिखा रहा है। अभी मैं 2-3 दिन पहले किया था, अभी प्रोसेसिंग दिखा रहा है। तो ऐसे आपको भी दिखाई देगा अगर आप सबमिट कर दीजिएगा। तो यही प्रोसेस है जीरोधा अकेडमी नॉमिनी ऐड करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।